लव एट फर्स्ट बाइट पार्ट 5। आज भी डाइनिंग टेबल पर चैतन्य बहुत खुश नजर आ रहा था, अपने ही ख्यालों में मगन था, अकेले ही हंस रहा था। मां, अप्पा और वेंकट सभी उसकी तरफ देख रहे थे। मां ने सिर पे हाथ लगा लिया, अप्पा यानी विजय जी मुंह पे हाथ रखकर हंस रहे थे। वेंकट एक बार मां की तरफ तो एक बार अप्पा की तरफ देख रहा था। सभी जन एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। तभी अप्पा ने वेंकट को तू ही बोल करके इशारा किया। वेंकट ने बड़ी मुश्किल से चैतन्य को हाथ लगाते हुए कहा, अन्ना आपको आज ज्यादा भूख लगी है क्या? वेंकट के ऐसे कहते ही चैतन्य उसकी तरफ देख के बोला, नहीं तो, बल्कि आज मुझे भूख ही नहीं है। उसकी बात सुनकर वेंकट ने आंखें बड़ी करके उससे पूछा, तो फिर आपने आज इतनी सारी रोटियां और सब्जी क्यों ली हुई है? वेंकट ने ऐसे कहते ही चैतन्य ने अपनी थाली की ओर देखा। उसकी थाली में उसने सारी की सारी रोटियां और बहुत सारी सब्जी ले रखी थी। उसने बिना कुछ बोले अपने प्लेट से रोटियां और सब्जी निकाल डाली। पूरा खाना खाने तक उसने ऊपर नजर उठा के देखा ही नहीं। वेंकट और विजय जी जोर जोर से उस पे हंस रहे थे। रात भर चैतन्य की आंखों के सामने सिर्फ देवी का चेहरा आ रहा था। उसी के सपने देखते देखते वो सो गया। दूसरे दिन वो आराम से उठ के अपना नाश्ता करके अमित के घर चला गया। उसने बेल बजा के यहां वहां देखने लगा। तभी दरवाजा खोलने की आवाज आई। उसने देखा तो सामने देवी थी। उसके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आई, पर देवी ने उसकी तरफ देखा और मुंह बना लिया और अंदर चली गई। उसने अपना एक हाथ बालों के ऊपर घुमाते हुए बाल सेट करके हंसते हुए अंदर चला गया। वो अंदर गया तो देवी अमित से बोल रही थी, तुमने उस वॉचमैन को क्यों बुलाया? अमित ने चौंक के देवी की तरफ देखते हुए कहा, कौन वॉचमैन, क्या कह रही हो? उनकी बात हो रही थी तभी वहां चैतन्य आ गया। उसे देख देवी ने कहा, ये क्या, ये वॉचमैन ये क्या कर रहा है यहां? देवी की बात सुनकर अमित जोर जोर से हंसने लगा और चैतन्य ने अपने आप की तरफ उंगली करके देवी से कहा, मैं वॉचमैन, ये क्या कह रही हो तुम? देवी ने उसे गुस्से से देख कर कहा, वॉचमैन नहीं तो क्या, कल तुम ही थे ना वॉचमैन के कैबिन में। कितनी बार पूछा मैंने कि गाड़ी कहां लगाऊं, लंच ब्रेक हो गया क्या, पर यह था कि अपनी ही धुन में खोया हुआ था। ऐसे लोगों को काम पे ही क्यों रखते हैं क्या मालूम? देवी बात कर रही थी तभी चैतन्य को याद आया कि कल देवी बात कर रही थी पर उसका ध्यान नहीं था और वो गुस्सा होके चली गई थी। उनकी बात सुनकर अमित जोर से हंसने लगा और थोड़ा शांत होके बोला, अरे तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, ये कोई वॉचमैन नहीं है, ये मेरे ही साथ मेरे ऑफिस में है, यही नहीं ये मेरा सीनियर भी है और तुम इसे वॉचमैन समझ बैठी, इतना भी बुरा नहीं दिखता यार। इतना बोल के अमित हंसने लगा। चैतन्य ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अमित की बात सुनकर तो देवी ने अपनी जीभ ही दांतों के नीचे दबा दी। धीमी आवाज में देवी ने चैतन्य की ओर देखकर कहा, सॉरी एक्चुअली वो आप कल वहां खड़े थे तो। देवी को क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैतन्य ने हंस के कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी तो आप समझ गई ना, तो फिर छोड़ दो पुरानी बातें। अमित ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अभी यही बात करते बैठना है या फिर बाहर भी घूमने जाना है? अमित की बात सुनकर देवी ने अपना पर्स उठाते हुए कहा, मैं तो तैयार हूं, चैतन्य भी कहता है तो फिर चलो। चैतन्य की गाड़ी से वो तीनों घूमने निकले। गाड़ी चैतन्य चलाने वाला था, उसके साथ अमित बैठने वाला था, इसलिए चैतन्य ने पहले ही मिरर ऐसे सेट किया कि उसे देवी अच्छे से दिखे। अमित और देवी की बातें चालू थी, चैतन्य सिर्फ उन्हें सुन रहा था। पहले तो वे चौपाटी गए, बहुत सारी भीड़ थी, चैतन्य मना कर रहा था पर देवी ने उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में खींच लिया। देवी तो मानो कोई छोटी बच्ची हो इस तरह पानी में खेल रही थी। तीनों ने कुछ सेल्फी भी निकाली। चौपाटी पे पानीपुरी का ठेला देखकर देवी अमित से बोली, अमित चलो पानीपुरी पे ताव मारते हैं, क्या ख्याल है ना बढ़िया आइडिया? देवी खुशी से बोल रही थी। अमित ने भी खुशी से बोला, नेकी और पूछ चलो फिर। उनकी बातें सुनकर चैतन्य बोल पड़ा, अरे अरे ये क्या, तुम लोग ये बाहर का अनहेल्दी फूड खाने वाले हो? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। चैतन्य की बात सुनकर देवी और अमित दोनों हंसने लगे। देवी उसके पास आके उसके गाल खींचते हुए बोलती है, वाह रे शुद्धता के पुजारी, तुम्हें नहीं खाना तो ना सही पर हम तो खाएंगे। ऐसा कहके अमित के साथ देवी निकल गई। इनका कुछ नहीं हो सकता ऐसा मन ही मन कहते हुए चैतन्य भी उनके पीछे चला जाता है।
अमित और देवी दोनों में पानीपुरी खाने की स्पर्धा लगी थी। चैतन्य एक टक देवी को देख रहा था। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मुंह बना के बड़े चाव से खा रही थी। उसे ऐसा देखते देख देवी ने उसे कहा, अरे ऐसे देखते रहोगे तो मेरे पेट में भी जरूर दर्द होगा। इससे अच्छा है कि तुम भी खा लो थोड़ा। तुम ना रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहके देवी ने उसके सामने पानीपुरी की प्लेट करके उसमें से एक उसके मुंह में डाल दी। उसे पहले ही ये सब पसंद नहीं था तो उसे खाना भी नहीं आता था, तो पूरी मुंह में डालते ही फूट गई और पूरा पानी मुंह से बाहर आ गया। उसकी ऐसी हालत देख देवी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी चैतन्य को और उसके करीब खींच रही थी। वो दीवाने की तरह उसे देखे जा रहा था। वो हंसते हंसते पानीपुरी मुंह में डालने वाली थी कि चैतन्य ने फटाक से अपना मुंह आगे करके उसकी पानीपुरी खा डाली। उसका इतना करीब आना देवी को बेचैन कर गया। उसने अपना दुपट्टा संभालते हुए अमित के पास जाके खड़ी हो गई। वो खुद को नॉर्मल रखकर अमित से बात कर रही थी, पर बीच बीच में वो चोरी छुपे चैतन्य की तरफ देख रही थी। वो गालों में हंसते हुए उसे ही देख रहा था। बातों बातों में दिन कैसे निकल गया उन्हें पता भी ना चला। आज उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। चौपाटी के बाद वो तीनों लिंक रोड गए। सबने थोड़ी सी शॉपिंग की। चैतन्य ने तो आज देवी के पसंद से ही कुछ टी शर्ट लिए थे। देवी ने अमित और चैतन्य को शॉपिंग करने में हेल्प की थी। देवी जब अपने लिए कान की बालियां देख रही थी तब उसे इशारों में चैतन्य उसके ऊपर कौन सा जच रहा है वो बता रहा था। कम से कम 10 बालियां देखने के बाद चैतन्य ने उसके लिए एक बाली सेलेक्ट की थी। उसकी चॉइस देख देवी ने भी क्या बात है कहके उसकी तारीफ की थी। और आखिर में तीनों रात का खाना बाहर ही खा के घर वापस जा रहे थे। अमित अब थके होने के कारण पीछे बैठ गया। अब आगे चैतन्य और देवी ही थे। दोनों को क्या बात करे समझ नहीं आ रहा था। देवी ने रेडियो लगाने के लिए हाथ आगे किया, तभी चैतन्य भी वही करना चाहता था। उसमें दोनों के हाथों को एक दूसरे का स्पर्श हुआ। देवी ने अपना हाथ तुरंत पीछे ले लिया। चैतन्य ने हंसकर रेडियो चलाया। मलंग फिल्म का अरिजीत सिंह का गाना चल रहा था। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है, दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है, अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम, ताउम्र प्यार ना होगा कम। जैसे गाने में से चैतन्य के दिल की क्या हालत है बयां हो रही थी। चैतन्य ने एक बार देवी की तरफ देखा जो खिड़की से बाहर देख रही थी। चैतन्य को क्या पता वो भी बाहर देखे मुस्कुरा रही थी। घर आते ही देवी और अमित चैतन्य को बाय करके अपने अपने घर चले गए। आज पहली बार चैतन्य को कुछ पीछे छूट रहा है ऐसे लग रहा था। क्या लगता है देवी और चैतन्य मिल पाएंगे? चैतन्य जिस जीवन साथी की तलाश में था कहीं वो तलाश देवी पे आके खत्म हो गई है क्या? देवी नाम कुछ अलग नहीं लग रहा कि उसमें भी कुछ है? जानेंगे पर अगले एपिसोड में।